अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के विवाद में कूदी कंगना रनौत, लेखिका कनिका को बताया हिंदू विरोधी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को काफी दिनों से बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल रक्षाबंधन की लेखिका कनिका ढिल्लो के कुछ पुराने ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लोगों ने इसे हिंदू विरोधी बताया है और अब इन वायरल ट्वीट्स पर अभिनेत्री कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना रनौत बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं और अभिनेत्री ने बॉयकॉट रक्षाबंधन पर भी एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें कंगना रनौत ने रक्षाबंधन की राइटर को निशाने पर लिया है और आरोप है कि उनके ट्वीट को हिंदू विरोधी बताया है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर कनिका से जुड़े वायरल पोस्ट को लगाया है, जिस पर अभिनेत्री ने लिखा, हा हा, उन्हें आर्थिक नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ आर्थिक नुकसान का डर ही उनसे हिंदू फोबिया और भारत विरोधी ट्वीट डिलीट करा सकता है और कुछ नहीं। कंगना रनौत के बयान और फिल्म बहिष्कार को लेकर लोगों की सोशल मीडिया पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, कोई बात नहीं, एक टिकट पर टैक्स होता है, घाटा सरकार का होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। लेखक और पत्रकार मृणल पांडे ने ट्वीट करके लिखा, कूद पड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरशद खान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। अगर किसी के समर्थन से मूवी हिट होती तो विवेक ओबराई की पीएम नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार की पृथ्वीराज और भक्तों की बहन कंगना रनौत की धाकड़ सुपर फ्लॉप नहीं होती। एक ट्विटर यूजर ने तंज के रूप में लिखा, भक्तों का तर्क, आमिर खान देशद्रोही हो गए क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा कि भारत असहिष्णु है। भारत को जिहादी राष्ट्र कहने के बाद भी कंगना रनौत राष्ट्रवादी बन गई। अक्षय कुमार अभी भी राष्ट्रवादी हैं, हालांकि उन्होंने पहले ही भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। आप कंगना रनौत के इस बयान को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सके।